यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी टू पढ़ेंगे, हिंदी टू व्याकरण, हिंदी व्याकरण का पार्ट दो। है बुक सभी के पास? हमने इससे पहले भाषा वाला चैप्टर पढ़ा था, है ना। भाषा की क्या होती है? भाषा, भाषा दो तरीके से होती है, यानी जो भी हम बात बोलते हैं या फिर उसको लिखते हैं तो वो होती है भाषा। जाना था हमने, तो उसके दो रूप थे, मौखिक और दूसरा था लिखित। आज हम क्या पढ़ेंगे? जब हम भाषा को जान लेते हैं तो उनको उसके बाद लिखते हैं, तो जो लिखते हैं, लिखने का तरीका होता है लिपि चिन्ह जिनको कहते हैं, ना। हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपियां होती है, तो हम जो लिखते हैं, जिन लिपि चिन्हों से हम जो भी अक्षर लिखते हैं ना, वे होते हैं वर्ण, ठीक है। तो उन वर्ण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण क्या होते हैं? जैसे हमने हमारे हिंदी में लिपि चिन्ह हो गए, जैसे हमने ऐसे अ को ऐसे लिखा जाता है ना, ये जो लिखने का तरीका है, आ को ऐसे लिखा जाता है, ये जो ध्वनियां लिखने का जो तरीका होता है वही क्या होता है, वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। यानी लिखने की तरीका जो होगा वही वर्ण होता है। और वर्ण की परिभाषा देखें तो क्या होगी, वर्ण की परिभाषा कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, वह होती है वर्ण, वे वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी शब्द होता है, ठीक है, कोई भी चित्र देख लो, आम का, कलम का, घड़ी का, आपकी बुक में दिखा रखा है ना, जैसे, तो ये तो क्या हो गए, आम, ये तो क्या हो गया बच्चों, एक शब्द हो गया कि भाई आम के बारे में बात हो रही है, हम सब जानते हैं आम क्या है, आम क्या हो गया, एक शब्द हो गया जिसके बारे में हम जानते हैं। तो अब इस आम के यदि हम वर्ण देखें अलग अलग कि कौन सी लिपि, कौन कौन से लिपि चिन्हों का प्रयोग हुआ है, यानी आम लिखा कैसे जाता है, आम के टुकड़े करके देखेंगे कैसे होंगे आम के टुकड़े, ध्वनि को अलग करना है, ठीक है, यानी अलग अलग लिपि चिन्ह से ही तो ये बने हैं, तो उन लिपि चिन्हों को हम अलग अलग करके देखते हैं। तो हमने इसमें से क्या है, आ, आ क्या एक ध्वनि है, आ, है ना, जिसको हम बोलते हैं मुख से एक ध्वनि निकलती है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, आ, तो आ, ठीक है। और मैं, म के टुकड़े कैसे होते हैं, मैं में एक ध्वनि निकल रही है और उसको अपने को पहचानना है, मैं में से जब ध्वनि निकलेगी तो मैं कितना बच जाएगा, मैं इतना ही बचेगा, यानी मैं के नीचे हलंत आ जाता है, इसका मतलब है मैं अपना आधा है, अभी इसका मैं को आधा कर दिया, यानी ध्वनि, ध्वनि को भी मिलाना है। ध्वनि क्या होती है, जैसे पानी, तो नी में कौन सी ध्वनि आ रही है, ई, और पा में आ, तो ये ध्वनियां होती है, बस इन ध्वनियों को अलग करना होता है, तब हम कह देते हैं कि हाँ हमने वर्णों को अलग अलग कर दिया है, कि शब्द के जो वर्ण थे वो अलग अलग हो चुके हैं। तो मैं का जो ध्वनि है वो क्या बची, इसमें कोई मात्रा लगी है मैं में, मैं के पास कोई मात्रा है, नहीं है, तो मैं की कोई मात्रा नहीं है, मतलब उसमें अस्वर मिला हुआ है, यानी स्वर के बिना कभी भी ये पूरे नहीं होते, क से लेके क, कबूतर से लेके ह, हल तक जितने भी आते हैं ना वर्ड, क, ख, ग, ग, ये सब क्या है, स्वर से ही बने होते हैं पूरे, तो स्वर मतलब ध्वनि, तो कोई ध्वनि इसमें है, कौन सी है, मात्रा तो इसमें है नहीं, तो ध्वनि हम कौन सी लेंगे, इसकी ध्वनि कौन सी आएगी, अ की ध्वनि, कौन सी ध्वनि, अ, अ मिला है तभी ये क्या है, मैं पूरा बना है, ठीक है। तो इस तरह ये टुकड़े हो गए आम के। वैसे ही घड़ी, घड़ी देखो, जैसे ये अ, आ, ई, ये तो हमारी सीधी ध्वनियां है, मुख से निकले जा रही है बार, ठीक है, तो इनके टुकड़े नहीं होते हैं, लेकिन जब घ दिया हुआ हो, कैसे लेके ह तक कोई भी वर्ण आपको दिया हो तो उसके टुकड़े होंगे। अब घ में से ध्वनि कौन सी निकलेगी बच्चों, घ में कोई मात्रा दिख रही है आपको, नहीं, तो घ में ध्वनि कौन सी है, अ की, ठीक है, ये घ के टुकड़े हो गए, घ प्लस अ बराबर घ।
और ड़े, ड़े में कौन सी मात्रा दिख रही है आपको? ड़े में छोटी ई या बड़ी ई? बड़ी ई। तो ये ड़े और ये बड़ी ई। बस हमने जो मुख से जो ध्वनि निकल रही है, आवाज जो निकल रहा है ना, साउंड, उसको हमने अलग किया है। घ में से ए निकल रहा है और डी में से बड़ी ई की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो उसको अलग किया है। तो इस तरह जब हम इनके अब टुकड़े कर चुके, अलग अलग हम इन सबके टुकड़े कर चुके, अब इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाते हैं? ये अलग अलग जो है ना, ये वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण की परिभाषा देखिए, वह छोटी से छोटी ध्वनि, छोटी से छोटी आवाज या ध्वनि जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। ओके, वर्ण क्या होता है बच्चों? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई मतलब उससे ही भाषा बनती है। पहले हम शब्द बनाएंगे, वर्ण वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो शब्द बनेंगे, शब्द बनेंगे तो शब्दों से मिलकर वाक्य बनेगा, है ना? जैसे पूरी लाइन बनेगी, आम, है ना? ये शब्द बन गया, पहले तो ये वर्ण है, अलग अलग ये वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। और ये क्या है? शब्द बन गया, इससे मिलाकर के ये आम। अब आम मीठा होता है, ये क्या बन गया? पूरा वाक्य बन गया, है ना? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई इसी से शुरू होती है, ठीक है? इसी से हिंदी की शुरुआत होती है। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो अब हम देखेंगे वर्णों के भेद। हमने जाना वर्ण क्या होते हैं, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ये है वर्ण। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये हम जानेंगे। वर्णों के भेद कितने होते हैं? वर्णों के भेद पहला होता है स्वर, इनको हम दो भागों में बांटते हैं। दूसरा है व्यंजन, ठीक है? वर्ण दो तरह के होते हैं, पहला स्वर तथा दूसरा व्यंजन। स्वर, स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं जिनको हम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, जो ध्वनियां हमारे मुख से बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है बिना किसी रुकावट के, ठीक है? यानी बिल्कुल अपने को बल नहीं लगाना पड़ता है। ऐसी ध्वनियां कि जिन स्वरों के उच्चारण में कंठ से निकलने वाली वायु, कंठ यानी हमारे गले से अंदर से जो आवाज निकालेंगे, तो वो बिना किसी वायु के रुकावट के बाहर आ जाती है, ठीक है? और उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती, यानी कोई दूसरे वर्ण की हेल्प हमको नहीं लेनी पड़ती है। अ है तो अ स्वतंत्रता से अपने आप बाहर आ रहा है, उसमें ना मैं आ मिला रही हूँ ना छोटी ई मिला रही हूँ, ठीक है? यानी अकेला, तो उसको किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं? हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। ये कितने स्वर हुए बच्चों? 11 स्वर। ये इनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है जब हम कोई भी अक्षर लिखते हैं, ठीक है ना? कौआ, कौआ लिखेंगे तो का में कौन सी मात्रा लगाएंगे हम? क में ये औ की मात्रा लगाते हैं, है ना? तो इनकी मात्राओं का प्रयोग जिसमें किया जाता है वे व्यंजन होते हैं। जैसे क से लेके क, ख, ग, घ, ड़, ठीक है? च, छ, ज, झ, य, ये सभी क्या है? व्यंजन। और इनमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है।
उसके बाद य र ल व और श श स ह, वे भी क्या है व्यंजन। ठीक है, तो स्वर क्या हुए बच्चों कि जो मुख से बिना किसी रुकावट के ध्वनियां बाहर निकल रही है स्वतंत्र रूप से, जो वर्ण बोले जाते हैं उनको हम स्वर कहते हैं। स्वर हिंदी भाषा में 11 होते हैं, ठीक है, और औ के बाद जो अंग अह हम लिखते हैं वो स्वर नहीं होते हैं। स्वर अंग अह ना तो स्वर है और ना ही उनको व्यंजन में गिना गया है। ठीक है, तो स्वर हमारे 11 ही होते हैं। अंग अह का प्रयोग किस तरह होता है ये हम बाद में जानेंगे। तो अभी हमारे स्वर कितने होते हैं, अ से लेके औ तक, और इनमें से कितने स्वर की में मात्राएं होती है, इनमें से सिर्फ 10 यानी 10 स्वर की ही मात्राएं होती है। अ अ में कोई मात्रा है नहीं है ना, ए में कोई मात्रा, तो ए बिना मात्रा का होता है, और बाकी ये 10 जो है सब में अपनी अपनी मात्राएं होती है। ठीक है, स्वर के बारे में जान गए, अ से लेके औ तक ये सभी ध्वनियां हमारे मुख से आराम से निकल रही है। ठीक है, और इन सभी मात्राओं का प्रयोग हम इसमें करते हैं, है ना, इसमें करते हैं। कौवा लिखते हैं, ठीक है, मोर लिखते हैं, ठीक है, ऊन लिखते हैं, है ना, चूहा, तो इनकी क्या है, ऊ की क्या है मात्रा है ना। दीदी, दीदी लिखते हैं तो उसमें क्या है, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा ही तो प्रयोग में ली है ना। व्यंजन, व्यंजन क्या होता है, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता, इनकी सहायता, तभी व्यंजन लिखे जाते हैं। ठीक है, देखो व्यंजन कैसे लिखे जाते हैं, जैसे व्यंजन है ये, अब इसमें मैं स्वर की सहायता लूंगी। ठीक है, ये स्वर है जो ए, इसकी हेल्प करेगा, ठीक है, ये सहायता करेगा, तभी ये क्या है, कै पूरा लिखा जाएगा। यानी यदि ये नहीं होगा तो कै को इतना ही लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो मतलब यही हुआ कि व्यंजन को लिखने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तभी व्यंजन लिखे जाते हैं। ठीक है, तो व्यंजन की परिभाषा यही है कि व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में हमें क्या है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और हिंदी में स्वर तो 11 हैं, तो उसी जगह अपने व्यंजन कितने हैं, व्यंजन देखिए ये यहां से यहां तक, उसके बाद य र ल व श स स ह, ये इतने हमारे व्यंजन हैं। 25 ये हो गए, 26, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, तो 33 टोटल कितने हुए, 33 व्यंजन कितने होते हैं, 33। ये चीज याद रखनी है हमें हमेशा कि हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं और व्यंजन व्यंजन हमारे 33 होते हैं। ठीक है, पहली बात, स्वर क्या होते हैं, जिनको हम आसानी से बिना किसी रुकावट के मुख से जो ध्वनियां निकलती है वह स्वर होते हैं। ठीक है, और स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद व्यंजन, व्यंजन क्या होते हैं कि जिनके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, यानी अ आ कुछ भी, कुछ भी हो हमें सबकी सहायता लेनी पड़ती है, हमें कुछ भी लिखना हो, है ना, जैसे हमें लिखना हो, जैसे आ ज आज लिखा, तो इसमें आ तो क्या है, आ तो स्वर है, आ स्वर है, तो स्वर को कभी सहायता नहीं चाहिए। स्वर क्या है, स्वर को दूसरे वर्णों से सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर अकेला होता है, आराम से लिखा जाता है, आराम से बोला जाता है, तो स्वर को कभी सहायता नहीं लेनी पड़ती। और वही ज, ज क्या है, ज एक व्यंजन है जिसको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है बच्चों,
तो ज प्लस अ, ठीक है, यानी क से लेके अपने ह तक सबको क्या है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तभी ये क्या लिखा जाता है व्यंजन। और चाहे मात्रा वाले लिखने हो अपने को, जैसे मोर लिखा, ठीक तो मोर को कैसे करोगे? मोर में कौन सी मात्रा है? पहले मैं, पहले हमारा व्यंजन कौन सा है? मैं पे मात्रा लगी है कोई, तो मैं को अलग कर दो। और इस पे मात्रा किसकी लगी है? ओ की, मोर। बोल के देखो, मोर, मो, कौन सी मात्रा लगी है? ओ की लगी है, तो हमने ओ को बाहर निकाल दिया। इसमें ये क्या मिलाया मैंने? स्वर। ये व्यंजन है, इसको स्वर की सहायता मिली, तब ये बन गया मो, ठीक है। और र है व्यंजन, उसमें कोई मात्रा नहीं है, मतलब ए की मात्रा है, ए की ध्वनि है, तो ये बन गया मोर, ठीक है। मतलब ध्वनि बाहर निकालनी है, और व्यंजन को क्या है, व्यंजन को हमेशा स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, चाहे बड़ी ई की मात्रा हो, चाहे ऊ की हो, है ना, चाहे ए की और चाहे ओ की, कोई भी मात्रा हो, लेकिन स्वर की सहायता उसको लेनी पड़ती है व्यंजन को, जबकि स्वर में सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर अकेला ही वर्ण होता है और आराम से स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। ये हमने स्वर के बारे में जाना, और जाना व्यंजन के बारे में। स्वर होते हैं 11, वापिस बोलेंगे, स्वर होते हैं 11, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ये इतने हमारे स्वर होते हैं। अंग और अह घर खाली स्वर नहीं होते, ना व्यंजन होते हैं। इसके बाद व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे, यहां से पढ़ो, क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, य, त, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये क्या है? 33 व्यंजन। कितने? 33, ठीक है, इतने व्यंजन होते हैं। और स्वर के बिना व्यंजन कैसा होता है? यदि मैंने ये स्वर नहीं मिलाया, तो स्वर के बिना व्यंजन कैसा होगा? सिर्फ इतना ही होगा। और इसमें अगर मैंने स्वर मिलाया, तो ये पूरा क बन जाएगा, हलंत वाला क नहीं बनेगा। यदि मैंने स्वर नहीं मिलाया होता, तो क्या होता? ये हलंत वाला क होता। हलंत वाला क मतलब इसके नीचे डंडी, जो इस चिन्ह को क्या कहते हैं हम, हलंत वाला क, हलंत। हलंत का मतलब ये होता है कि वो क पूरा नहीं है, क क्या है, आधा ही है, ठीक है। संयुक्त अक्षर, स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, अब हम क्या पढ़ेंगे? संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर वे होते हैं जिनमें दो व्यंजन और एक स्वर मिलता है, ठीक है। श, त्र, ग, और श्र से श्रमिक वाला, श्र। तो ये चार क्या है हमारे? ये व्यंजन नहीं है। व्यंजन में तो सिर्फ एक ही स्वर चाहिए था, है ना, आधा क है तो ए मिला दो, है ना, आधा प, पतंग वाला आधा प है तो उसमें ए मिला दो, प बन जाएगा, उसमें आ मिला दो तो पा बन जाएगा, है ना।
लेकिन इसमें क्या है, संयुक्त अक्षर में क्या मतलब, संयुक्त मतलब क्या होता है बच्चों, पहले संयुक्त का अर्थ क्या होता है, संयुक्त संयुक्त मतलब आपस में मिलाना, है ना। संयुक्त का मतलब होता है आपस में जुड़ा हुआ होना, मिला हुआ होना। तो संयुक्त अक्षर का मतलब यही है कि दो व्यंजन आपस में जुड़ेंगे, पहले पहले कोई दो व्यंजन जुड़ेंगे। व्यंजन कौन कौन से पढ़े थे हमने, 33 व्यंजन पढ़े थे, है ना। तो उन्हीं में से दो व्यंजन और स्वर मिलेगा जब जाके संयुक्त बनेगा, ठीक है। तब क्या बनेगा, संयुक्त अक्षर बनेगा। तो पहले अपने दो व्यंजन कौन कौन से मिल रहे हैं, तब जाके श बनेगा हमारा। देखिए, एक व्यंजन क मिलेगा, दूसरा व्यंजन स षटकोण, ठीक है, और फिर मिलेगा प्लस में अपना एक स्वर। क्या मिलेगा, एक स्वर, क्योंकि स्वर के बिना तो हमेशा क्या है, व्यंजन आधा ही होता है। नीचे हलंत मिलेगा फिर तो अपने को, तो अपने को हलंत नहीं, पूरा का पूरा श क्षत्रिय चाहिए, है ना। इसके नीचे हलंत नहीं चाहिए हमको, पूरा का पूरा श क्षत्रिय चाहिए। तो हमें स्वर मिलाना है, और दो व्यंजन कौन कौन से होंगे, क प्लस श, षटकोण वाला क प्लस श प्लस अ, मिलके क्या बना, श से क्षत्रिय। अब हम कोई भी वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, जैसे कक्षा, है ना, कक्षा, कक्षा लिखते हैं ना, कक्षा, रक्षा, रक्षाबंधन, है ना, आ रहा है ना अभी रक्षाबंधन। तो रक्षा, कक्षा, उसमें ये श प्रयोग लिया जाता है। ये श किस कैसे बना है, ये ऐसे संयुक्त मिलके बना है, संयुक्त मतलब मिलके बना है, दो व्यंजन और एक स्वर इनसे मिलके बना है, ठीक है। ऐसे ही त्र, त्र किससे मिलके बना है, तर, बोल के देखो, त, त की आवाज आ रही है, तर प्लस अ, अपन बोल के देखेंगे तो भी आवाज आ रही है अपने को, तर अ, त्र। तो ये किससे मिलके बना, त तरबूज वाले से, र से, और एक स्वर, है ना। स्वर के बिना तो हलंत आ जाएगा, तो वैसे ही अपने को हलंत वाला नहीं चाहिए, पूरा पूरा त्र चाहिए, यानी मात्रा, ठीक है। अपने हिंदी में लिखते हैं चित्र, चित्रकला, है ना। तो उसमें जो त्र होता है ना, ये इनके योग से बना है। तो क्या है, ये एक संयुक्त अक्षर है। तो दो व्यंजन जो अपन ने 33 व्यंजन पढ़े ना, हिंदी में 33 व्यंजन, उनमें से ये दो व्यंजन और एक स्वर मिला, तो बनके मिलके क्या बना, त्र, ठीक है। एक और देखो, ज्ञ, ज्ञ किससे मिलके बना है, ज्ञानी बाबा वाला ज्ञ, ज्ञ बना है अपना, ज जहाज को मिलाया, और च छ ज ज, ये पढ़ते हैं ना अपन, ये घर खाली खाली, तो च चम्मच वाली लाइन का एक तो ये और एक ज जहाज वाला ज, ये दो व्यंजन मिलाए और एक स्वर मिलाया, क्योंकि स्वर तो सब में मिलेगा। तो दो व्यंजन और एक स्वर, यानी जहां भी संयुक्त यानी व्यंजन आपस में मिलते हो तो वे क्या होते हैं, संयुक्त अक्षर। और संयुक्त अक्षर हमेशा हिंदी में चार ही होते हैं, एक दो तीन चार, हमेशा संयुक्त अक्षर हिंदी में कितने होंगे, चार। ऐसे ही श्र श्रमिक वाले में बोल के देखो क्या क्या मिल रहा है, श र अ, श्र मिलके क्या बना, श्र, यानी व्यंजन सारे अपन वही काम में ले रहे हैं जो अपन ने 33 व्यंजन पढ़े थे ना, क से लेके कबूतर से लेके ह से हल तक। तो उन्हीं में से सारे व्यंजन मिलके क्या है, ये संयुक्त अक्षर बनते हैं, ठीक है। तो श र अ मिलके बना श्र, ठीक है। तो देखिए, जैसे अब इनके बारे में हम कल और पढ़ेंगे, ठीक है। आगे का कल पढ़ेंगे अपने, ठीक है ना।